नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी साल में आज फिर कांग्रेस के कुनबे में विस्तार हो गया है, जब बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कल सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व विधायक शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। वहीं 9 दिन पहले ही गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं, पूर्व विधायक श्री गिरिजा शंकर शर्मा के भाजपा छोड़ने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। सेठानी घाट पर मिष्ठान, स्वल्प आहार, फल वितरित कर धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज हमारे क्षेत्र के दो बार के विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के दो बार के जिला अध्यक्ष रहे श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि वो जिले की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद के चुनाव में जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने से निष्कासित किया गया था, तब उनके पूरे प्रयास के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर पाए और ये उनका दंभ है कि वो अपने प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने वाले पंडित गिरिजा शंकर शर्मा जी को आने वाले चुनाव में उनकी वास्तविकता और हकीकत मालूम पड़ जाएगी। आज हम भारी हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा एक व्यक्ति जो कभी पार्टी के साथ नहीं रहा, पार्टी के हित में नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुका है। हम उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नर्मदापुरम से खास रिपोर्ट और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज से।